हेलो बिलीवर्स, कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ हैं और सुरक्षित हैं। वेलकम टू एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ अपडेट्स बिलियंस। इस नए एपिसोड में मैं जो अभी हाल ही में भारत में एंटीबॉडीज कॉकटेल वैक्सीन जो कोरोना की लॉन्च हुई है उसके बारे में मैं जानकारी देने वाली हूँ आपको। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये वैक्सीन सबसे पहले एंटीबॉडीज कॉकटेल क्यों नाम पाया है? क्योंकि ये दो तरह की दवाइयों से बनी हुई है, दो केमिकल ड्रग्स जो कि दवाइयों के वैक्सीन के निर्माण में यूज़ किए गए हैं, इस्तेमाल हुआ है इसका, इसलिए एंटीबॉडीज कॉकटेल इसका नाम है। इसको ट्रंप वैक्सीन भी कहा गया है। क्यों? क्योंकि ये डोनाल्ड ट्रंप को दी गई थी पिछले साल, जब उनको कोरोना हुआ था पिछले साल अक्टूबर में, तो इसी वैक्सीन की वजह से वो पुनः फिर से स्वस्थ हो गए थे और तकरीबन एक हफ्ते में फिर से वो काम पे लग गए थे। तो इसीलिए इसको ट्रंप वैक्सीन भी कहा जाता है। भारत में ये वैक्सीन 24 मई को रोशन इंडिया ने लॉन्च की है सिप्ला के साथ। सिप्ला भारत में इसकी मार्केटिंग का हेड है। सिप्ला के द्वारा इस वैक्सीन का पूरे भारत में वितरण किया जाएगा। इसकी कीमत क्या है? इस वैक्सीन की कीमत 59,750 रुपये बताई जा रही है सूत्रों के द्वारा। 59,750 रुपीज़ पर डोज, इसके एक डोज का ये प्राइस है। अब इसमें कितनी मात्रा में दवाई दी जाएगी पेशेंट को? इसका 1200 mg का डोज होगा, 1200 मिलीग्राम का डोज होगा। इसमें दोनों जो ड्रग्स हैं कैसीरिविमैब और इमडेविमैब, ये दोनों ड्रग्स के द्वारा ये पूरा वैक्सीन बना हुआ है। और प्रत्येक ये जो केमिकल है दवाई का, ये एक 600 मिलीग्राम का डोज होगा और दूसरा इमडेविमैब इसका भी 600 मिलीग्राम का डोज होगा। दोनों मिला के 1200 mg पेशेंट को दी जाएगी। और इस महामारी के समय में जहां चारों ओर भय हाहाकार मचा हुआ है वैक्सीन के लिए, दवाइयों के लिए, उसमें मैं ये कहूँगी कि ये रामबाण इलाज साबित हुआ है और एक बहुत ही सकारात्मक बात है, ये सकारात्मक उपचार है कि जिसकी वजह से एक शांति की लहर ज़रूर दौड़ेगी सभी परिजनों में, सभी पेशेंट्स में, जहाँ लाचारी और लाचारी के अलावा और कुछ नहीं देखा है पिछले कुछ वक्त में, वहाँ इस इंजेक्शन की वजह से हम कई जिंदगियाँ फिर से बचा सकेंगे। सो थम्स अप टू दिस रिसर्च, थम्स अप टू दिस इनोवेशन इन मेडिसिन। बहुत ही धन्यवाद करना चाहूँगी मैं कि जिन्होंने भी ये वैक्सीन बनाई है। अब इसकी आगे बात करते हुए, इस वैक्सीन का जो कॉम्बो पैक है ये 1,19,500 रुपये में प्राप्त होगा आपको। ये प्राप्त कहाँ से होगा? ये सभी लीडिंग हॉस्पिटल्स भारत की और जो कोरोना ट्रीटमेंट सेंटर्स हैं जहाँ पे भारत में, वहाँ आपको ये मिल सकती है। या फिर अगर आप कोई होलसेलर हैं तो आप अपने सिप्ला के डीलर से बात कर सकते हैं जहाँ से आप उसको होलसेल में प्राप्त कर सकते हैं। और हम जो आम जनता हैं वो रिटेल में मेडिकल स्टोर से ये दवाई, ये वैक्सीन प्राप्त कर सकते हैं। अब ये कॉम्बो पैक है, जो कॉम्बो डोज, ये दो पेशेंट्स को दिया जा सकता है। अब दो पेशेंट्स को किस तरह से दिया जा सकता है? जैसे मैंने कहा कि 1200 mg का एक डोज है, तो ये कॉम्बो पैक जब भी खुलेगा तब एक डोज जैसे अभी ही पेशेंट को दिया गया, तो इसका जो दूसरा डोज है वो नेक्स्ट 48 आवर्स में, लगभग दूसरे ही 48 आवर्स में दूसरे पेशेंट को दे दिया जाना चाहिए। और इसको 2 डिग्री से 8 डिग्री सेल्सियस तक स्टोरेज में रखने पर ही, वरना नहीं। इसका दूसरा डोज तुरंत 48 आवर्स में खुलने के बाद ही विद इन दिया जाना चाहिए, तभी ये कारगर साबित होगा, वरना ये वैक्सीन यूजलेस है। अब
भारत में ये कौन बंदा है जिसने ये वैक्सीन पहली पाई है? इनका नाम है मोहब्बत सिंह, जो कि हरियाणा के निवासी हैं। हरियाणा में वेदांता हॉस्पिटल में ये ट्रीटमेंट पा रहे हैं और मंगलवार को इनको ये डोज दिया गया था एंड ये बहुत ही कारगर साबित हुआ है और बहुत ही अच्छी रिकवरी उनकी हुई है। ये बुजुर्ग 85 साल के हैं। अब ऐसी बातें हो रही हैं कि जहां एक महामारी है तो दूसरी ओर जिंदगी बचाने के लिए कृष्ण फिर से महाभारत की जंग में उतर पड़े हैं, मैं कहूँगी इस वैक्सीन के द्वारा। या फिर यूँ कहा जाए कि अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र चलाया हुआ है और इस महाभारत में सभी बीमारियों से लड़ने के लिए इसको छोड़ा है, सभी बीमारियों को अंत करने के लिए। आगे और इस पर बात करते हुए कि ये गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अनुसार किसको दी जानी चाहिए, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अनुसार जो 65 प्लस हैं और कोमॉर्बिडिटीज जिनकी जुड़ी हुई हैं पेशेंट्स की, फॉर एग्जांपल जो पेशेंट्स 65 से ऊपर हैं और जो कोमॉर्बिडिटीज का शिकार हैं, जैसे कि अस्थमा है, हार्ट पेशेंट्स हैं, किसी किडनी की बीमारी है और उनको भी कोरोना हो गया है, तो सबसे पहले इनके लिए यूज़ की जानी चाहिए, इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ऐसी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है। दूसरे नंबर पर जो 55 साल से ऊपर हैं और जो कार्डियक पेशेंट्स हैं, कार्डियक मतलब जिनको किसी भी तरह की हार्ट की बीमारी है, उनके लिए ये दवाइयाँ इस्तेमाल की जानी चाहिए। और तीसरे नंबर पर पीडियाट्रिक के लिए ये यूज़ करने के लिए गवर्नमेंट ने यहाँ कहा है, किसके लिए, जो बच्चे 12 साल से ऊपर हैं या 12 साल के हैं पीडियाट्रिक निगरानी में और जिनकी वज़न 40 किलो से ऊपर है उन्हीं को ये वैक्सीन दी जाएगी डॉक्टर की निगरानी में, मेडिकल निगरानी में। इसके बिना गवर्नमेंट ने ये परमिशन नहीं दी है। सो ये एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है एंड मैं चाहूँगी कि ये आप सबसे शेयर कीजिए ताकि जिन लोगों को इसकी जानकारी नहीं है वो ये जानकारी प्राप्त कर सकें और इसकी सहायता से वो अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने परिवार के परिजनों को बचा सकें। अब इसकी पहली बैच जो है भारत में लॉन्च हो चुकी है 24 मई को, जैसे मैंने कहा रोशे इंडिया ने इसको लॉन्च किया हुआ है और इसकी दूसरी बैच भारत में जून के मध्य तक आ जाएगी और तब तक हम 2 लाख पेशेंट्स को बचा पाएंगे। जो पहली बैच है उससे 2 लाख पेशेंट्स को हम बचा पाएंगे और इस आशा के साथ कि जो मृत्यु दर है उसको हम काबू कर पाएंगे। हालांकि जानती हूँ मैं कि हर किसी की जेब को ये जचेगा नहीं, मानती हूँ, लेकिन जो लोग इसको अफोर्ड कर सकते हैं या फिर कहीं ना कहीं से सहायता प्राप्त कर हम ये वैक्सीन जो ले सकें उनके लिए मैं बोलूँगी कि ये एक जड़ी बूटी होगी जो कोरोना के सामने उनको फिर से एक नया जीवन दान देगी। सो आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपके लिए कारगर और बहुत ही सहायक सिद्ध साबित हुई है और अपडेट्स बिलियंस के एक और नए एपिसोड में हम फिर मिलेंगे। तब तक बी सेफ, स्टे सेफ एंड प्रेयर्स लगातार कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि प्रेयर्स ही एक ऐसी अक्सर संजीवनी है जो हमें इन सभी से बचाती है और यही दुआ हमारा रक्षा कवच बनती है। इस विचार के साथ मैं अलविदा कह रही हूँ दोस्तों, फिर मिलेंगे।